सो गाइज, आज मैं कर रही हूँ इस कूलर की सफाई। वैसे तो ये कूलर कंडम सा ही हो रहा है, बाकी इमरजेंसी में ये काम आ सकता है, इसीलिए हम इसकी थोड़ी बॉडी चेंज करवा देंगे। बाकी मोटर सब ठीक पड़ी है इसकी। और मैंने अपने रूम में छोटा कूलर लगा लिया था, वैसे एसी भी चला लेती हूँ, पर इस मौसम में जैसे कूलर भी चाहिए। तो अब इस कूलर को मैं ऊपर शिफ्ट कर दूँगी। मेरे को सोचते हुए कई दिन हो गए थे कि कोई कर दे तो कर दे, कोई नहीं करेगा, ये बेड़ा तो हमें उठाना पड़ेगा। अब मैंने इसको खाली कर दिया है, नानू घर है तो नानू मेरा हेल्प करवा के इसको ऊपर रखवा देगा, फिर इसकी बॉडी चेंज करवाएंगे। इसकी बॉडी चेंज तो आगे जो सर्दी गर्मी आएगी उसी में होगी। अब मैंने इसकी सफाई कर दी है कि मेरी सफाइयाँ वगैरह सारी हो गई हैं। और यहाँ ये देखो, और रोक्सी अपनी सेम जगह वहीं बैठा है ना, आरू का इंतज़ार करते हुए। और यहाँ आरती कर रही है मम्मी से बात, और मैं अब ये जो बाकी का थोड़ा सा काम रहता है वो और कर लेती हूँ, उसके बाद पीऊँगी मैं चाय। तो गाइस देखो, कूलर भी ऊपर पहुँचा दिया है मैंने, और नानू ने मिलके दोनों ने चाय चढ़ा दिया। आरती बना रही आरू के लिए एक फुल्का, आरू आज 11 बजे आके खाया था चिल्ला, और आलू मटर की सब्जी बनाई थी, और अब बन रही है उसके लिए रोटी, और मैं उसके लिए प्लेट लगा देती हूँ। अनार का रायता खाता है तो ये अनार, और अभी रायता बना देती हूँ उसके लिए। मैं का चाय पी लूँ, और हमारी चाय और मट्ठी, और ये है मेरे नानू बेटे की चाय, बिस्किट भुजिए, और ये तो है ही मेरा अंग्रेज बेटा, उठ के कोई चाय नहीं, ये अपना दही जूस इस टाइप की चीज़ें लेता है, ये चाय नहीं पीता, कहता मैं काला हो जाऊँगा। वैसे कितना गोरा है, इसको क्या चूरते थे डाइटिंग करनी, पर ये बंदा करता है भाई अपने मतलब शरीर के लिए, ये बहुत वो है। तू कि नुआर है ऊपर ऊँचा गया नहीं, पट पट और ला रही ऊपर कट जा रहा है तू जिम। अरे मैं कहीं नहीं जाके आया, पट पट हुई थी जब सीढ़ियों से उतरा हूं। ये देखो, ये मेरा कलर सांबर का तैयार हो चुका है। ये देखो मैं आपको दिखाती हूँ सांबर, ये हो रहे हैं मेरे जीरा राइस तैयार। ओह, तुलसा में पानी देती हूँ, आज बनाई थी लेट, आज मैं लेट हो गई थी नहाने में, तो तुलसा में पानी रह गया था, तो मैं अब देती हूँ तुलसा में पानी। गुडन आर, ये कहते हैं माता रानी को बहुत सूप होता है, तो ये मेरी माता रानी को भी सूप होता है, ये वो प्रिय है, तो मैं एक बार तुलसा में पानी दे देती हूँ, तुलसा में जल देती हूँ, और उसके जय माता जय जय मेरी माई रानी की जय की जय। और ये पता है किसका इंतज़ार कर रहा है, ये आरू के दोस्तों का इंतज़ार कर रहा है, क्योंकि वो आके इसको लेके जाते हैं और फिर ये घूमने जाता है। और इसके और पापा का लगा देती हूँ मैं चार्जिंग पे, क्योंकि पापा का मोबाइल चार्जिंग पे लगा हुआ था और मैं हटा के लेके गई थी। पापा ऊपर गए हुए हैं क्योंकि पापा अपने पौधों का काम करने ऊपर गए हुए हैं। और ये देखो, पापा बिल्कुल अपने सिरहाने मम्मी की फ़ोटो लगाए रखते हैं। दादी को भी दूसरा ही साल हुआ है, ये देखो, ये जो है बड़े अच्छे इंसान थे आप, जिसके मेरे ऊपर टेक भी रहे हैं। मैं कहती हूँ भगवान करे इनका आशीर्वाद मेरे पे हमेशा बना रहे। एक ऐसा वक्त था जब मैं बिल्कुल टूट चुकी थी, और इन्होंने मेरे को बहुत संभाला है, मतलब मेरे को मतलब नीचे गिरे हुए को उठाया है। वैसे मेरी मम्मी भी ने भी किया है, पर देखो उनका फ़र्ज, ये मुंह मोड़ सकते थे उस टाइम, उन्होंने नहीं मोड़ा, ये चीज़ के लिए मैं आज भी इनको थैंक्सफुल करती हूँ। तो हमारा साथ इतना ही था, पर बहुत अच्छे बंदे थे। मैं तो ये कहती हूँ मेरी सास बहुत ज़्यादा अच्छी थी, हम दोनों बहनों को बड़ा प्यार देती थी, हम दोनों को कभी ये नहीं देखा कि उसको प्यार ज़्यादा कर रही है उसको कम कर रही है, दोनों को बराबर प्यार करना, और दोनों को पसंद करके लेके आई थी मेरी सास हम दोनों को। वक्त हमने बहुत ज़्यादा गलत देखा है, मतलब हमारी ज़िंदगी में जो इंसान हम पसंद करते हैं वो भगवान हम बहुत जल्दी ले जाता है, जैसे मेरा भाई, वो मेरे को बहुत याद आता है,
बहुत ज़्यादा। भगवान ने उसके साथ भी गलती की है, और मम्मी उससे प्यार भी हद से ज़्यादा करती थी। हर्ष से बहुत ज़्यादा लगाव था उनका। हर्ष से आने के बाद वो ज़्यादा टाइम नहीं निकाल पाए थे, और उनको अंदेशा पहले ही होने लग गया क्या लग गया था कि हर्ष को कुछ ना कुछ हो रहा है। पर वो ही बात है, ये दोनों इंसान मेरी ज़िंदगी के बहुत, और भी मैं आपको फिर कभी बताऊँगी, पर जो फिलहाल इनके साथ दोनों मेरे भाई के साथ बहुत गलत हुआ है। बस मैं इतना ही कहूँगी।